साथियों, ये कुंभ 2019 का ये वो जगह है जहां पर दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। ये आपके गोद में भगवान कृष्ण है, तो इन्हें अपने साथ हमेशा क्यों लेके चलते हैं? ये हमारे इष्ट हैं, हमारे देवता हैं। ये मेरे माता पिता है, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी माता है। हम रमन यति गुरु शरणानंद जी के पास जी। तो ये हमेशा इनको संभाल पाना तो बहुत मुश्किल है, बच्चों को संभालना तो बड़ी दिक्कत। ये तो हम कहते हैं ना, अगर शरीर में प्राण हो तभी देह चलती है, अगर शरीर में प्राण हो तो देह नहीं चलती। इसलिए हमारे प्राण है, हमको देह, ये प्राण है हमारे। आपका नाम बता दीजिए। हमारा नाम बाबा कमालपुरी। बाबा कमालपुरी जी को हम देख रहे थे, बहुत सुंदर लगा, बहुत सुख मिला। कैसे भगवान कृष्ण को अपने कलेजे से चिपकाए हुए चल रहे हैं। बाबा, आपने हमसे बात किया, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा जीवन का सूत्र बताइए जो आपने निचोड़ पाया अपने जीवन में। बहुत आपने लोगों से व्यवहार किया होगा, लोगों से बातचीत किया होगा, शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, तो निचोड़ क्या है जीवन का? जीवन का निचोड़ क्या है? देखो, कहते हैं तुलसीदास महाराज ने रामायण में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरला मुनि सब संतन गावा। 84 लाख जून के बाद मानुष तन मिलता है, और हम उस मानुष तन के अंदर प्रभु का भजन और भगवान का भजन और वंदना ना करे तो हमारे संसार में आना व्यर्थ है। बहुत बहुत सुंदर सार बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हम लोगों से जानेंगे, यहाँ पर बहुत अजीबो गरीब लोग आपको देखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे। मेरी कोशिश है कि तमाम लोग हैं जो नज़र से बच जाते हैं उनको हम नज़र में कैद करें। कुछ युवा हैं वो कुंभ में आए हुए हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 बच्चे लोग हैं। आप लोगों को कुंभ कैसा लग रहा है बताइए? कहाँ से आए हैं? मुक्तिगंज से आए हैं। मुक्तिगंज, ये कौन सी जगह पर पड़ता है? ये हटिया, मुक्तिगंज। हटिया मतलब जो प्रयागराज के आसपास ही कहीं है ना? हाँ। आपका नाम क्या है छुटकी? मिस्टी सोनकर। वृष्टि सोनकर किस क्लास में पढ़ती हैं? कैसा लग रहा है? और वो बड़ी दीदी जो है, इनका कैसा एक्सपीरियंस है? आपका कैसा लग रहा है कुंभ? इसके पहले कभी कुंभ में आप आई हैं? नहीं, पहली बार आई हैं। कैसा लग रहा है? मतलब सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। सच में जो ये कुंभ का आयोजन है वो अनुपम है, दिव्य। तो कुंभ हर वर्ष रहा है लेकिन ये कुंभ भव्य हुआ है। आपका नाम क्या है? कपिल राज। कैसा आपका अनुभव इस कुंभ में आकर? बहुत ही बढ़िया, शानदार। कुछ और बताना चाहेंगे फैला करके? मैं पिछले 3 कुंभ से आ रहा हूँ, इस बार जितनी साफ सफाई कुंभ में दिखी है उतनी कभी नहीं देखी मैंने। और सारी चीजें व्यवस्थित भी है ना? बहुत ही तरीके से। कपिल, क्या करते हैं आप? मैं गाइड हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैन यू एक्सप्रेस योर फीलिंग अबाउट दिस उत्सव इवेंट? About the whole Kumbh Mela event, you mean? To me, it's very enriching. I think it's the best word to it. A lot of impressions, a lot of beautiful people, a lot of characterful people coming together from the whole world, and everything's come together. Everybody is friendly, sharing their feelings, sharing their religions. Thank it's you. The best event. It's great.